ज्ञान हुआ एक बार पुरुष का ज्ञान तो वो अखंड नहीं हुआ, एक बार घड़े का ज्ञान हुआ एक बार कपड़े का ज्ञान हुआ, तो घड़ा कपड़ा अलग अलग होने पर भी जो ज्ञान एक है वो अखंड है। तो वो कौन है? तो भगवान रामचंद्र जी, ज्ञान अखंड एक सीता है। जो खंड खंड है वो तो माया है, और जो अखंड है घट घट माया है, स्त्री पुरुष माया है। गो गज गो कर जहां लग मन जाए सो सब माया जाने वाले, और राम भगवान जो है तो विगत विकार ज्ञान अधिकारी है ना। ज्ञान अखंड एक सीता है, सीतानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार ज्ञान अधिकारी। ज्ञान अधिकारी का अर्थ है कि लोग देह देखते रहते हैं लेकिन चिदानंद को नहीं देखते। आखिर ये तुम्हारा जैसा शरीर दिखता है और राम का जैसा शरीर दिखता है, उसमें तुम्हें कोई फर्क लगता है क्या? ये जो जड़ शरीर है इसमें से आत्मा अलग हो जाता है, और जो चिदानंद शरीर होता है उसमें शरीर का दिखना तो शांत हो जाता है परंतु आत्मा अलग नहीं होता। जड़ चेतन का विभाग भगवान के शरीर में नहीं होता, वो देह है। उसका अर्थ ये है कि वो भौतिक तत्वों से बना हुआ कोई शरीर नहीं है, वो हमारे ध्यान में बना हुआ शरीर है। तो वो भौतिक तत्व की प्रचुरता से नहीं है, आत्म तत्व की प्रचुरता से है। वहां आकृति तो है परंतु तत्व तो दूसरा नहीं है। आप जैसे ध्यान करो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है और वैसा भी नहीं है। न ब्रह्म सरीखा नाम रूप रहित है और न जड़ सरीखा नाम रूप वाला है। वो दोनों से एक लक्षण है, वो ध्यान की संपदा है। वृंदावन की भक्ति दूसरे से, वृंदावन की भक्ति में ध्यान नहीं है, तो भगवान की कृपा है। ये तो तीन लोग से मतना न्यारी है। उड़िया बाबा जी महाराज सुनाते थे, जो पहले पहले यहाँ आए बाबा रामकृष्ण दास के पास थे, बड़े बुजुर्ग थे, बड़े भारी महान, ये पड़ोस में ही रहते। तो बाबा को कोई गिरने का तो आग्रह नहीं था, ऐसे ही ऐसा कपड़ा पहने हुए थे। तो रामकृष्ण दास जी ने समझा कि कोई वैष्णव महात्मा आ गया, तो अपनी चद्दर बिछा दी थी, आप उस पर बैठिए। वो बैठ गए, तब उन्होंने पूछा कि तुम पुरुषार्थ को प्रधान मानते हो कि कृपा को? रामकृष्ण दास ने पूछा। तो बाबा बोले कि हम पुरुषार्थ को प्रधान मानते हैं। अच्छा, तो तुम गंगा किनारे से आए हो? तो अभी चले जाओ, अभी गंगा किनारे जाओ। जब तक आदमी पुरुषार्थ को प्रधान मानता है तब तक वो वृंदावन में रहने का अधिकारी नहीं। यहाँ तो भगवान की कृपा ही कृपा है, ऐसे बाबा ने ही सुनाया था। हमने तो रामकृष्ण दास जी का दर्शन भर किया था।
विलक्षणता माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की विशेषता नहीं, एक भूमि है, भूमि स्थान है, तो मिट्टी अलग अलग होती सर्वत्र, ये देखने में आता है, कहीं पीली मिट्टी होती है, कहीं चिपकनी मिट्टी होती है, कहीं असंग मिट्टी होती है, तरह तरह की मिट्टी होती है। नहीं, यह तुरंत लोग प्राय गंगा के किनारे रहते हैं और अपने पौरुष की साधना करते हैं और यहाँ प्राय लोग रहते हैं और वो भगवान की कृपा के आश्रित, तो वो भूमि का विभाग नहीं है, भाव का विभाग है, भाव की प्रधानता से भूमि में भी बहुत फर्क पड़ता है। एक राम प्रताप शास्त्री थे, ये है ना हमारे धर्मचंद जी वगैरह बड़े थे, ये लोग उनका सत्संग बहुत सत्संग करते थे, तो उन्होंने हमको एक बार सुनाया था, महाभव उपाध्याय थे अपने जमाने के बड़े खंडकों में से थे, ब्यावर रहते थे, भक्त भी बहुत थे, बड़े अच्छे भक्त थे और विद्वान भी थे, तो उन्होंने एक बात सुनाया कि एक सज्जन ने कहीं पहाड़ में एकांत में बैठ के एक पुस्तक लिखी, वो समझते थे कि हम बिल्कुल नई पुस्तक लिख रहे हैं, तो जब ले आए और अपने से किसी बड़े विद्वान को दिखाया तो विद्वान ने बताया उनको कि ठीक इसी भाव की एक पुस्तक पहले से प्रकाशित है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने तो नई पुस्तक लिखी, ये पहले से कैसे है, तो वो पुस्तक मंगाई गई और पढ़ा तो जैसा उन्होंने लिखा था नाम वाम अलग अलग थे लेकिन भाव बिल्कुल सिद्धांत बिल्कुल एक था, तो पता लगाया तो मालूम पड़ा कि जिस पत्थर पर बैठ करके इन्होंने पुस्तक लिखी थी उसी पत्थर पर बैठ करके पहले ने भी पुस्तक लिखी, ऐसी आश्चर्य की बातें बहुत सुनाया करते थे, तो भूमि में भी प्रभाव होता है। हमको हनुमान प्रसाद जी पोकार में सुनाया था कि विलायत में एक विद्याघर बना नया नया, अब ये सब बात वेदांतियों के काम की नहीं है, वो तो इस दुनिया की चीज है ही नहीं, वो तो बड़ी सारी उड़ान होते हैं, शरीर तो उनका धरती पर ही रहता है लेकिन उड़ान बड़ी जो गिरजाघर बना पहले दिन सब पादरी करते हुए प्रार्थना करने को, जो बड़ा पादरी था उसने प्रार्थना करवाई, बाद में उसने लोगों से कहा कि हमको प्रार्थना करवाते समय रोज तो भगवान की याद आती थी, आज इस गिरजाघर में प्रार्थना करवाई है तो हमको भगवान की याद नहीं आई, ये याद आती थी कि यहाँ कोई कसाई है और गाय काट रहा है, तो बहुत लोग थे वहां ईसाई दौर थे, फिर लोगों ने और लोगों ने भी बताया कि हमारे मन में भी ऐसी बात आई, तो उनका फिर जांच की गई उसकी ये भूमि कैसी है, तो उसका इतिहास ये निकला कि 150 वर्ष पहले उसी भूमि पर कसाई खाना था, तो धरती में भी भाव होता है, ज्योतिष
उष्णावस्य प्रसिद्ध होता भागवत ने बताया कि कहीं कहीं धरती ऐसी होती है कि उसमें से रोगन है। इसी से जहाँ संत लोग मिलते हैं उस भूमि में संतों का भाव आ जाता है। तीर्थ कोई साल में आसमान से नहीं उतरता है, संत जहाँ निवास कर वो उनके जीवन काल में या थोड़े दिनों के बाद उसी का नाम तीर्थ होता है। कोई भी तीर्थ अगर बना है तो संतों के निवास से ही वो तीर्थ बना है। जहाँ संत नहीं रहे वहाँ तीर्थ नहीं बना और वहाँ भगवान का आदिर्भाव भी नहीं हुआ। ये संतों के संबंध से ही तीर्थ बना है। भूमि का भी प्रभाव होता है। बाबा जी बनाते थे या बाबा जी महाराज अन्न का प्रभाव होता है। तो निश्चय की बात नहीं पर उसके शरीर की रहनी में परिवर्तन होता है। शरीर की रहनी में तो घनघोर परिवर्तन होता है। बाबा आम बनाते थे भूमि का प्रभाव होता है, काल का प्रभाव होता है, अन्न का प्रभाव होता है। तो एक बार पांच चार साधु एक साथ कहीं जा रहे थे तो एक ने बड़ी श्रद्धा से बुला के उन लोगों को भोजन कराया। फिर वही रात में रह गए तो सबको स्वप्न दोष हो गया। तो आपस में चर्चा हुई, फिर उन लोगों ने मालूम किया कि क्या बात थी। तो उसके संतान नहीं थी, संतान की वासना से उसने साधुओं को भोजन कराया था तो साधुओं को स्वप्न दोष बाबा ने सुनाया था। एक दूसरा कि एक साधु को किसी ने भिक्षा कराई और दोपहर को कह दिया कि भूख बहुत है विश्राम करो, तो उसके घर में ही वो विश्राम गर्मी के समय में करने लगे। तो वहां एक सोने का हार टंगा था तो उनके मन में आया कि इसको हम चुरा लेते हैं। तो साधु बुजुर्ग भिक्षा मांग के खाने वाले और उनके मन में आया हार चुराने का भाव। तत्काल उन्होंने अपने मन को संभाला कि क्या बात है, ऐसी बात मन में क्यों आई। तो मालूम हुआ कि वो सोनार का घर था और उन्होंने सोनार कहा कोई हो तो माफ करे बाबा, है ना, क्योंकि उसको कश्यपो हरा हुआ। आपके सामने वो दे देगा सोना और देखने वाले को पता नहीं चलेगा। कश्यपो हरा, सुनार का नाम है कश्यपो हरा। अपने माँ अपनी माँ का भी देवर बनाएगा तो उसमें से कुछ न कुछ लेगा कि कहीं हमारी आज तो ये अन्न का एक बार प्रभाव पड़ता है। इसमें बचने का उपाय बहुत बढ़िया है कि भिक्षा पांच घर की भिक्षा ली, एक घर की भिक्षा में अन्न का दोष आता है, पांच घर की भिक्षा में अन्न का दोष नहीं आता है। और उसमें जो ज्यादा हो सो कौवे को कुत्ते को जो प्राणी हो उनको बांट देना चाहिए। यदि भिक्षा में ज्यादा पहले तो लेना नहीं और ले तो बांट देना और उसको एक बार पानी में पूरा का पूरा गोता लगा तो हम और पहले से क्या खाएंगे संकल्प न करें, किसके घर खाएंगे संकल्प न करें तो अंत का दोष जो है क्योंकि साधु ईश्वर का खाता है।
वो किसी मनुष्य का नहीं खाता, वो स्वयं ईश्वर का है और ईश्वर का भी खाता है। उनको खिलाने वाला परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई है, ये बात साधु के मन में आती है। इसलिए इसके संबंध में स्पर्श से होता है, नजर से होता है, दृष्टि से भी होता है। ये आचारी लोग जो भोजन करते हैं वो ऐसी जगह पर उसको बनाते हैं कि कोई कुत्ते की, चील की, कौवे की नजर नहीं पड़े और प्रदर्शनात्री की दृष्टि ना पड़े। बर्तन भी स्वच्छ करते हैं अपने हाथ से, इमली से, इमली की खटाई से बर्तन मांजते हैं, अन्न का प्रभाव होता है। ये भूमि का सबका स्वभाव अलग अलग होता है, व्यक्ति का भी प्रभाव पड़ता है, अन्न का प्रभाव पड़ता है, समय का प्रभाव पड़ता है। अब 4 बजे सुबह खाओगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, खाने का समय थोड़ी है। तो देश का, काल का, वस्तु का और राई चबाओ थोड़ा तो देखो उसका मजा, राई राई होते जैसे चौक लगता है और उसको संत और सतगुरु ये भी चीजें संत और सतगुरु नहीं। संत तो जैसे गंदकी नदी में जाए, मुक्ति नारायण जाए, जहाँ कालग्राम निकलते, हजारों कालग्राम निकल रहे हैं, तो ऐसे संत तो हजारों निकलते हैं भगवान में। लेकिन जिस कालग्राम को हम लाके अपने घर में पूजा करते हैं वो हमारे प्राइवेट हो जाते हैं। तो संत तो सब हैं, बहुत हैं, लेकिन सदगुरु जो है वो हमारा प्राइवेट है, वो हमारी पूजा के लिए, हमारे कल्याण के लिए सदगुरु होता है। सब संत और अपना सदगुरु ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, अपना सदगुरु अधिक होता है। सब संत संत है और अपना सदगुरु भगवान का स्वरूप, ये उसमें उसमें प्रत्यक्ष भगवान विराजमान है। संत को सार्वजनिक और सदगुरु अपना प्राइवेट, पुरुष तो सब है, पति अपना है, बस इतना ही फर्क है। संत माने होता है कि जो अस्तित्व के सिवाय मन है उसका कुछ है या वो किसी का है, ये बात संत के साथ नहीं होती। न संत का कुछ है, न संत का कोई, न संत किसी का है, न संत का कुछ। संत माने सन्मान, सत्ता मान, वो केवल है, वो न किसी का मेरा है, न उसका कुछ मेरा है। सन्मान उसको संत बोलते हैं। और जो मठ है, धन है, संपदा है, चेला है, संप्रदाय है, तो उसको महंत बोलेंगे, महंत। उसके अंदर महत्ता, संत में महत्ता नहीं है। उसके लिए जैसा जंगल वैसा नगर, जैसी धरती वैसा कलम, वो संत है। और जो अपनी महिमा में रहता है उसको महंत बोलते हैं। पहले महंत भी ऐसे नहीं बनते थे, उसकी अयोध्या जी ने जीती थी। पहले आवेंगे उससे बर्तन मांजेंगे, उसके बाद चौके में प्रवेश होगा, 12 बरस बर्तन मांजेंगे, फिर 12 बरस रसोई बना लेंगे, फिर 12 बरस कुठार संभालेंगे, उसके बाद फिर महंत की पदवी प्राप्त होती थी। जो अपने हाथ से काम नहीं कर सकता उस आलसी को नहीं मिला। जो कर्म होते हैं महाराज, एक तो सिपाही होकर के
ऊपर दो जाके एस पी होता है, हाँ, एक डायरेक्ट एस पी होता है। तो आप लोग उसी में है डायरेक्ट, आप लोग डायरेक्ट जो उन्नति करके जाता है वो पक्का होता है, जो क्रम क्रम से जाता है वो निष्फल होता है। एक स्वामी जी गद्दी है छपरा जिले में वैष्णव सारानंद संप्रदाय की, तो करोड़पति गद्दी अंत से 25 वर्ष पहले भी उसको करोड़पति गद्दी मानते थे, नाम अंकित हो गया है। तो वहां ये नियम है कि महंत के पद पर तो बैठा देते हैं पहले दिन डायरेक्ट महंत, लेकिन होता क्या है कि वो उसके साथ 5 आदमी हमेशा रहेंगे, अकेला कभी लघुशंका के समय भी, शौच के समय भी, नींद के समय भी, भजन के समय भी, वो अकेला नहीं रह सकता, 5 आदमी उसके साथ रहेंगे और उसको रसोई रोज बनानी पड़ेगी, महंत जी को अपने हाथ से रसोई बना के भगवान को भोग लगाना पड़ेगा और भगवान को भोग लगा के दफा बाबा को, पहले दफा बाबा को खिलावेगा फिर भगवान को भोग लगावेगा और फिर उसके बाद वो प्रसाद खावेगा। दफा बाबा होते हैं माने वो चखते हैं कि रसोई में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, तो ये देखने के बाद सब भगवान को भोग लगता है, पहले गफ्फा बाबा खा लेते हैं फिर भगवान को भोग लगता है, फिर वो एक को खिला के करोड़ की संपत्ति करोड़ की है, लेकिन पहरे में रहना 5 आदमियों का पहरा हमेशा रहता है और अपने हाथ से रसोई बनाना। ये नहीं कि जिसकी मौज हुई तो बोले हम बड़े भारी महंत हैं, महात्मा हैं, ये तो उसमें जाते हैं वो जो गीता के किस अध्याय में और 16 में, नहीं नहीं ईश्वरो हम आम भोगी सिद्धो हम बलवान, ये तो उसी आपको हृदयवान सदस्यों में आप प्राप्त से मनोरथम इधमस्ती में भविष्य पुनर्धनम आशाफा काम क्रोध परायण इहंते काल भोगार्थ न्याय, वो तो उसमें ईश्वरो हम आपकी सिद्धो हम बलवान भी तो लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई, बड़ी हंसी उड़ाई है, न चोटी ने जनेऊ, न चोटी ने जनेऊ, छुआ पानी को पीने का नहीं है। बात यह महाराज जी कि ये नयनता लेना जो है परमात्मा के लिए अधिक मेहनत देके हमने उन्हें घर बनाए दे ले जाते हाहारे पलटू बड़े नरक में जाए महंत भी पाए थे, ये पलटू बाबा का हाहारे पलटू, हमको तो याद नहीं है पूरा हमारे महाराज जी के पास रहते थे पलटू बाबा, तो पूरे को ललकार देते थे महाराज जी, अब बदल भी जरूर तो जीव करता है और शरणागति में प्रभु की कृपा बरसती है, उसमें डूब या डूब नहीं देखा जाता। शरणागति की सबसे विशेषता यह है बड़ी कि उसमें अधिकारी का विचार नहीं है, हो रहा है होता है कि खराब है, जो कुछ है सो भगवान का है, शरणागति में अपना बल नहीं है प्रभु का बल है। जो सभी शरणाई रखियों का स्थान की नहीं कोट भी प्रगत लागे जाबू आए शरणानंद संदेश निजा नहीं,
वो तो वाल्मीकि से रामायण का तो सारा विस्तार ही वाल्मीकि रामायण उसका मूल का वापी ही है। मेरे अगली योग्यता उसमें जिसकी शरण ग्रहण करते हैं, एक एक शरणागति की बात आपको सुनाते हैं, सुना तो कई बार सुनते हैं लेकिन वो बार बार सुनने लायक है। हमने अपने बाबा से वहां पूछा नहीं, प्रार्थना की कि हमको शरणागत कर दे, भगवान का शरणागत बना दे। 17-18 वर्ष वो कभी कभी देखते थे हमको पढ़ते देखते, तो उन्होंने कहा अच्छा पंडित बताओ ऐसी कौन सी चीज दुनिया में है जो भगवान की शरण में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ब्रह्मा विष्णु पंचभूत से बने हुए सबको भगवान की शरण में देखो। तो अभी तुम आज जाओ विचार करो, कल आपको हमको बताना कि ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान की शरण में नहीं है, जिसके मूल मसाले ही भगवान है, उपादान मैटर ही भगवान है, और क्या शरण है? पंचभूत तो भगवान की शरण में है, और पंचभूत का में कल्पित जो एक शरीर है ये शरीर पंचभूत का कार्य नहीं है, क्योंकि पंचभूत तो अंतिम कार्य है, उसका कोई कार्य नहीं होता है, इस शरीर को कार्याभास है। पंचभूत पर्यंत ही कार्य होता है, और पंचभूत में आकाश में वायु में तेज में जल में ये कल्पित है। तो बताओ कल तुम आके बताना, उन्होंने कहा कि जो चीज भगवान की शरण में नहीं है उसको हम शरण में कर देंगे। तो मैंने ढूंढने का प्रयास किया, आज ऐसी तो कोई चीज नहीं लगती है जो भगवान में ना हो, भगवान की ना हो, जिसके प्रेरक भगवान ना हो, ऐसी तो कोई चीज नहीं दिखती है। तो बोले कि देखो ये अशरणागति एक क्रम है, मैं भगवान की शरण में नहीं हूं, ये शांति भूल है। तुम ये अनुसंधान करो, सब भगवान में है, सबके अंदर भगवान है, उन्हीं के हिलाने से सत्ता भी हिलता है, उन्हीं की सत्ता से सबकी सत्ता है। तब ये जो ख्याल है कि मैं कुछ स्वतंत्र करता भोगता हूं, ये हम बिल्कुल रुक जाएगा। असल में ऐसा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता जो भगवान से अलग होके कुछ। ये देखो समग्र भक्ति शास्त्र का सिद्धांत, इसमें रामानुज निर्माण मत व बल्लभ का भेद नहीं है। उमादार दोषित की नाई सबन निकावत राम गोसाई,
नट मरकट ये समझ में कावत कावत उमाकाल दोषित में तो बिल्कुल ही भगवान है, आपकी पलक भी भगवान ही हिलाते हैं, उमाकाल दोषित में नहीं। और नट मरकट यो में यही भाग का भेद हो गया, नट मरकट में कुछ थोड़ा थोड़ा बानर का भी रहता है। राम नट मरकट हुई समझ में कावत, नट का तो रहता ही है, थोड़ा थोड़ा बानर का भी रहता है, कभी रूप जाए है तो नट के मनारे से भी नहीं मानता। आप लोगों ने देखा हो नट पुतली की नाच भी देखी होगी, बानर की नाच भी देखी होगी, वहां तो काट मुसुंदी के भाग पर तो नट मरकट है। और शिव भाग तो दारू दोषित, उमा दारू दोषित के नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा है, तो इस शरणागति जो है अच्छा देवकाल और है, तो वेदांत की दृष्टि से ही तो ये जो शरीर है, शरीर ये जीव के स्वाधीन है कि ब्रह्म के स्वाधीन है? ब्रह्म में तो शरीर ही नहीं है, ब्रह्म तत्व तो ये है, और ये जो जीवा भाव इस शरीर में काम कर रहा है क्या उसके अधीन है? वही खुद अधीन है, वो तो अपने बिंब के अधीन है, समष्टि चेतन के अधीन है। तो ये जो संन्यास के जितने मंत्र है स्वामी हम लोग को, अब हमने तो न जाने कितने लोगों को संन्यास देते समय उन मंत्रों का 25-50 को तो दिया ही होगा आपने, और हर बार मैंने उन मंत्रों को पढ़कर सुनाया है। वाह वाह जगन्नाथ पुरुषो वाह नाम हे जगन्नाथ, अभी शरीर तुम्हारा है, तुम्हारे अधीन है, नहीं मैं न मेरा है, अब तुम इसको संभालो, मेरे ऊपर इसका भार नहीं है। ये संन्यास जो न्यास को वैष्णव लोग को शरणागति ही बोलते हैं, न्यास माने जैसे धरोहर रखते हैं ना, अब ये भगवान के सुपुर्द कर दिया, अब इसकी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर। तो कहीं रहनी में ये जो विवाद है ना, ये तो प्रक्रिया का है, सिद्धांत में कहीं कोई झगड़ा नहीं है। हम बड़े प्रामाणिक रूप से ये बात सुनते हैं आपसे, ये शरीर मध्वाचार्य के मत में भी पराधीन है, परतंत्र है, स्वतंत्र है भगवान और परतंत्र है जीव। गोस्वामी जी भी बोलते हैं परवश जीव स्वस्थ भगवान का। अच्छा, और रामानुजाचार्य के मत में ये जो जीव है ये अंतर्यामी के द्वारा नियमित होता है, नियम में है और नियामक तो परमात्मा ही है। अच्छा, वेदांत मत में भी कर्म के अनुसार शरीर का नियमन परमेश्वर ही करता है, फलमतः उपपत्ति है, परमेश्वर ही केवल फल देता है। तो ये जो दैहिक जीवन है ये सर्वथा ईश्वर के अधीन है, और इसके बारे में सोचना भी क्या सुनाना है। आप कोई भी बता दो कि आप कहां ले जाए जा रहे हैं, आपको पीछे से कोई धकेल रहा है, आपकी ये नवरिया बह रही है, नवरिया और छोटी नाव, आपकी नवरिया बह रही है, किस घाट में गई बताओ, कहां जाके ये खत्म होगी? तो बिल्कुल ये कहां से आए हैं ये भी नहीं मालूम, कहां जा रहे हैं ये भी नहीं मालूम, और कोई बता काम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हम पहले झूसी में रहते थे स्वामी, 36 के आसपास जब महाराज जहां एक बल्ला
उसी की नाव पर हम रोज त्रिवेणी घाट जा रहे करते थे स्नान करते छोटे लाल उसका नाम था छोटे लाल अभी संभव है जनता छोटे लाल उसका नाम था सन 36 में 37 में झूसी छूट गई एक बार में संन्यास लेने के बाद जयपुरिया जी के यहाँ से गया था त्रिवेणी स्नान करने फिर वहां से मुंबई के लिए गाड़ी पकड़ने के हम किसी नाव पर बैठ के जब त्रिवेणी की तरफ चले तो उसने देख लिया कहीं सन्यासी वेश में था अपनी नाव छोड़ के वो आ गया हमारी नाव और हमारे मल्लाह को कह दिया कि तुम हमारी नाव पर जाके चला अपनी अपनी नाव पर भेज दिया उसने और उसने वो नाव नचाई है गंगा जी की छाती ऐसा देख के आनंद आया ऐसी फट 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 जैसे हवा में नाव उठती है वो नाव को जैसे नाव पानी में हो ही नहीं ऐसे हो हवा में उड़ रही हो ऐसे उसने नाव से नाव को वो चलाया वो तो ये मजा यंत्रारूढ़ा ने मारेगा हम बैठे नाव पर यंत्र है और वो डाल ऐसा चलाता था देख के आश्चर्य होता था तो ये विश्व ब्रह्मांड जो है ना ये एक नाव की तरह है और इसको परमेश्वर ऐसा घुमा रहा इसमें वेदांत का कभी भी मतभेद नहीं है न इसमें ब्रह्म का कर्तृत्व है न इसमें जीव का कर्तृत्व है ये तो इसी से सुखदेव आदि कहते हैं कि जिस चीज को हमने छोड़ दिया वो यदि परमेश्वर के काम आता है तो इसमें हमको आपत्ति क्या है हमने तो छोड़ दिया था और उसको उसने प्यार से जो वाशिष्ठ में कथा है ना उसका नाम था उद्दालक मर गया बड़ा भारी ज्ञानी था तत्पर ज्ञान शिरोमणि था मर गया मर गया तो उसकी हड्डी पड़ी हुई थी कहीं सो जगत जननी जगदम्बा आई महाशक्ति और उसकी हड्डी को उठा के उन्होंने अपने अपना मुकुट बना लिया तो उसमें तत्वज्ञानी की तो महिमा यह है कि उसकी पड़ी हुई जो हड्डी है उसको भी जगत जननी जगदम्बा अपने मुकुट का हार बना लेते हैं ये तो ज्ञानी की महिमा है परंतु देखना तो यह है कि जब उसकी हड्डी पड़ी है और उसको कोई अपने मुकुट का हार बनाता है तो उसमें ज्ञानी की हानि क्या है कुछ नहीं तो ये जो परमेश्वर है यदि ये ज्ञाने ज्ञानी देह वाक बुद्धेर त्यक्ता ज्ञानिना मृत बुद्धिता ज्ञानी ने बुद्धि विद्या समझकर देह वाणी और बुद्धि इनका परित्याग कर दिया कर्मी प्रबंधी यदि कर्मी इससे कोई काम लेता है तो ज्ञानी लोग ये देख सकते इसमें ज्ञानी का क्या नुकसान होगा और जब कर्मी न विज्ञान आदि साक्षणम तत्व आत्मत्व बुद्धताओं तो इन्हें कर्मिणों ये देख सकते और जिस ब्रह्म को कर्मी जानते ही नहीं है क्या होता है जब कर्मी ने विजारादी साक्षण